हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुबल दास है। आज हम इस वीडियो के माध्यम में जानेंगे पैन कार्ड और आधार कार्ड का लिंक कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना होगा, उसमें लिखना होगा न्यू फिलिंग। उसके बाद वो हो रहा है, ऐसे आ गया दोस्तों, देखिए हो गया। उसके बाद इसको मानना होगा आपको, उसके बाद आधार लिंक लिंक आधार पे मानना होगा। देखिए दोस्तों, आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। देखिए आ चुका है। इसमें लिखना है पिन नंबर, जो आपका पैन कार्ड का पिन नंबर है उस पर लिखना होगा आपको, इसमें पिन नंबर। उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है उसमें लिखना होगा। और यहाँ पे आधार कार्ड का जो नाम है, आपका नाम है, उस पर क्लिक करना, ये नंबर नाम डालना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद वो सेकंड वाला का ऑप्शन को मानना होगा। मानने के बाद इधर में ऑप्शन, फिर इधर में एक लिंक आधार पे मानना होगा। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, मैं अपना के आधार लिंक पे मानना होगा आपको। ऐसे देखिए मेरा आधार कार्ड लिंक हो गया, इसलिए ऑप्शन ये दिखा रहा है। लेकिन आपका आधार कार्ड लिंक हुआ कि नहीं लिंक हुआ वो अब मैं दिखा रहा हूँ। बैक जाना है आपको, बैक देखिए मेरा हो चुका है, इसलिए मेरा दिखा रहा है। आधार इस पे लिंक पर मानना होगा आपको। आधार लिंक आधार इसमें तीन नंबर ऑप्शन पे मानना होगा आपको। अरे इधर भी पिन नंबर लेना है, जो पैन कार्ड का है, आधार कार्ड का आधार नंबर,
उसमें मैंने के बाद इसमें क्लिक करना होगा आपको। देखिए दोस्तों मैंने सब फिलअप कर दिया, उसके बाद में इसे देखिए मेरा पैन कार्ड का आधार कार्ड लिंक हो चुका है, इसलिए मेरा दिखा रहा है आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक। ओके मार दिया, हो गया मेरा। दोस्तों इस वीडियो में इतना तक है, आगे वीडियो बनने के लिए मेरा इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर जरूर दीजिएगा, आपका इस लाइक पे मेरा मेहनत है।